और इलाहाबाद में तेजी से गिरते भूगर्भ जल स्तर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गाइडलाइन का पालन ना करने पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर राज्य सरकार के 2008 के शासन आदेश और पीयूसीएल की 2014 की गाइडलाइन का पालन ना होने का आरोप लगाया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी इलाहाबाद से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। हम लोग ने एक सर्वे किया था घरों में लोगों के और बड़े बड़े होटल्स में किया था इलाहाबाद, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और कुछ सरकारी ऑफिसेस थे जिनमें मैंने ये हम लोग ने ये पाया कि उनके उनके छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का कोई भी ऐसा प्लांट इंस्टॉल नहीं था। तो उस पर हम लोग ने एक PIL फाइल की थी, उस पर हम लोग को डेट मिली है जुलाई की इस साल की, और 2008 का गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके तहत ये रूल है कि आपको 300 स्क्वायर मीटर की अगर आपको छत है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्लांट इंस्टॉल होना चाहिए। वहाँ PUCL की गाइडलाइन के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय और शासनादेश की अवमानना हो रही है और उसे माना नहीं जा रहा है, और ये क्यों नहीं माना जा रहा है इसका जवाब कोर्ट ने जुलाई में 10 तारीख इस पे लगाई है और 10 तारीख को इसका जवाब मांगा है। जिलाधिकारी से मांगा है इलाहाबाद के, और साथ ही साथ में मांगा है जो आपके स्टेट ऑफ यूपी है उससे।